हमें किसी बच्चे को ये नहीं बोलना है कि आप वीक वीक स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, टेक केयर पर किसी पेरेंट्स को नहीं बोलना है, ना ये बोलना है स्लो लर्नर भी नहीं बोलना है। उसी सर को बताते रहते हैं कि कैसे पेरेंट्स को बताना है, उसकी नेगेटिव चीज भी हमें पॉजिटिव वे में ही बतानी है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन, टीचर एंड पेरेंट्स इंट्रैक्शन शुड बी हेल्दी, जो हम डिस्कस ऑलमोस्ट कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट है अपडेट ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन, जैसे अगर पीटीएम है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स तक पहुंचानी हैं, तो हम एक अपनी डायरी लगा सकते हैं, अपनी एक नोटबुक में हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि वन मंथ बाद अगर हम पीटीएम कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ आज हुआ है हम भूल जाएंगे, तब तक हमने कुछ नोट किया होगा, पीटीएम वाले दिन हम वो कॉपी खोल सकते हैं, नोटबुक खोल सकते हैं, देख सकते हैं इस बच्चे के लिए मैंने ये लिखा था, तो हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर टीचर्स, पंचुअल कि उन्हें टाइम पर ही स्कूल आना है और सब कुछ पंचुअलिटी के साथ ही करना है। नेक्स्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में टीचर्स को भी रहना है, तो ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, और डिसिप्लिन बच्चों को नहीं बोलना है कि ये डिसिप्लिन में नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं है, ऐसा नहीं, बच्चों को भी हमें डिसिप्लिन वे में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को लाइन में निकालना है, लाइन में लेके जाना है, और टीचर्स भी साथ में जाएंगे। टीचर्स हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं, दीदी लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, बाहर कुछ छोड़ रहा है, या एटलीस्ट हम कॉरिडोर में ऐसे खड़े हो सकते हैं, दीदी लाइन लेके जा रही है, हम देख सकते हैं।